एक तरह से किलर फ्लैगशिप तो नहीं है लेकिन किलर ज़रूर है और एक मिड रेंजर स्मार्टफोन होने वाला है Realme की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं कि Realme जो है बहुत ही सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करती है, लाइक Realme C2 जो कि 7,500 रुपये में आया था, Realme फर्स्ट P60 इतना सस्ता स्मार्टफोन, ऐसा ही कुछ काम कर रही है बहुत ही सस्ते स्मार्टफोन पे। और अगर रिसेंटली मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो माधव सेठ ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि वो जो है क्वार्टर फर्स्ट में जो है एक नया स्मार्टफोन लाने वाले हैं जो कि एक बजट प्राइस में आएगा और 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे जो रियलमी का टारगेट है शाओमी है, क्योंकि शाओमी ने यहाँ पे जो है रेडमी नोट 7 प्रो या फिर रेडमी नोट 7 जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरे वाले स्मार्टफोन निकाला है जो कि एक्चुअल 12 मेगापिक्सल की है, 8GB की मदद से उसे बना दिया 48 मेगापिक्सल का। लेकिन बताया जा रहा है कि जो रियलमी यहाँ पे कॉम्पिटिट करने को आगे पीछे दौड़ रहा है रियलमी के लिए, मतलब सॉरी रेडमी के लिए, मतलब रेडमी को यहाँ पे अब कॉम्पिटिट करेगा रियलमी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे अगर 48 मेगापिक्सल का एक और उससे भी सस्ता स्मार्टफोन आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और हमें पता ही है जैसे कि जो रियलमी है उसके जो प्रोसेसर काफ़ी अच्छे ही होते हैं बजट प्राइस में, तो कैमरा तो अच्छा मिल ही जाएगा, अगर आपको प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाए तो मज़ा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है रियलमी काम कर रहा है एक सस्ते किलर स्मार्टफोन के बारे में और एक तरह से बजट स्मार्टफोन होने वाला है। जैसे कि हमें पता चला है कि इस स्मार्टफोन में जो आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है, डुअल कैमरा होगा, जैसे बैक पैनल होते हैं रियलमी के वैसे आपको जो है बैक पैनल देखने को मिलेगा डुअल कैमरे के साथ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ़ोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तो क्वार्टर फर्स्ट में ये स्मार्टफोन आ सकता है, प्राइस जो होगी अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी 9,000 से 10,000 रुपये तक के बीच, क्या पता उससे भी कम हो। लेकिन यहाँ पे रियलमी ने एक और बात की थी कि वो जो एक बहुत ही ज़्यादा बजट फ़ोन पे काम कर रहा है, क्या पता ये जो फ़ोन हो वो 6,000 से 7,000 रुपये के बीच लिया है या फिर थोड़ा कम लिया है, यहाँ पे अभी हमें कुछ ज़्यादा लीक्स पता नहीं है, लेकिन फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है रियलमी। और अगर मैं बात करूँ इस रियलमी के स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे उम्मीद है कि जो रियलमी एक अच्छा सा प्रोसेसर दे, क्योंकि 48 मेगापिक्सल कैमरा जो है भाई रेडमी तो ला रहा है लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वो 660 है आई थिंक, तो देखते हैं कि इससे अच्छा प्रोसेसर जो है वो रियलमी ला पाता है या फिर नहीं। तो एक्चुअली अगर इससे थोड़ा अच्छा प्रोसेसर मिल जाए और कैमरे क्वालिटी अच्छी हो तो हमें कोई शिकायत नहीं है रियलमी से, और उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है आपको जो है फैब या फिर मार्च तक देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और हेल्पफुल लगेगी, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।